नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है, जो 7 चरण में होंगे, लेकिन पहले चरण, दूसरे चरण और अंतिम चरण में कौन कौन से जिले रखे गए हैं और वहां कुल कितने सीटें हैं, इनकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो कुल 58 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 11 जिले शामिल हैं और ये चुनाव 10 फरवरी को आयोजित कराया जाएगा। इसमें 11 जिलों में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर शामिल हैं। वहीं अगर यूपी के दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो यहां पर कुल 55 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 9 जिले शामिल हैं और यह चुनाव 14 फरवरी को होगा। इन 9 जिलों में बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और सहारनपुर शामिल हैं। वहीं अगर यूपी के तीसरे चरण के चुनाव की बात करें तो यहां पर 59 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 16 जिलों में हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोदाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं और यह चुनाव 20 फरवरी को कराया जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव की बात करें तो यहां पर 9 जिले हैं और कुल 60 सीटों पर चुनाव होगा। यह चुनाव 23 फरवरी को होगा। इन 9 जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 5वें चरण की बात करें तो यह चुनाव 27 फरवरी को होगा। इस 5वें चरण के चुनाव में 60 सीटें होंगी। इस 7 सीटों के लिए 12 जिले हैं, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अगर 6वें चरण के चुनाव की बात करें तो यहां पर करीब 10 जिले शामिल हैं। इन 10 जिलों में 57 सीटों पर चुनाव होगा और यह चुनाव 3 मार्च को कराया जाएगा। इन 10 जिलों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, देवरिया और बलिया को रखा गया है। वहीं अगर आखिरी और अंतिम चरण यानी 7वें चरण के चुनाव की बात करें तो यह चुनाव 7 मार्च को होगा, जिसमें कुल 54 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इन 54 सीटों के लिए करीब 8 जिले रखे गए हैं। इन 8 जिलों में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही शामिल हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश में कुल जितने भी जिले हैं, उन जिलों में किस तारीख को चुनाव होंगे और कुल कितने सीटों पर चुनाव कौन सी तारीख में कराया जाएगा और कौन से चरण में कराया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।